देखो यार, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, अपने भी चार चार बंगले हो सकते हैं, दो मुंबई में, एक दिल्ली में, एक लंदन में, दूर कहीं लोनावला में एक फार्म हाउस भी हो सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। अगर आप समझ नहीं पाए तो इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ आनंद, प्लेरॉइड देख रहे हैं आप, और इतिहास उठा के देख लीजिए, हर साल जब अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की इनकम का यानी उनके आय का लोगों को पता चल जाता है। हर तरफ उनकी बातें होने लगती कि किसने कितना टैक्स भरा है। वैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले बाबर आजम से पूछना चाहूंगा, बाबर चिच्चा तुम भी टैक्स भरते हो? बोलो बोलो बोलो। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिप्रेशन में अभी हैं। वैसे डिप्रेशन में सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी टीम चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के 5-6 खिलाड़ी मिलकर भी उतना सैलरी नहीं पाते जितना विराट कोहली अकेले टैक्स भर देते। गजब बेइज्जती है। वैसे बात बल्लेबाजी की हो, कमाई की हो या कप्तानी की हो, विराट के सामने बाबर का टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सिर्फ बाबर ही क्या, क्रिकेट की दुनिया में किंग से बड़ा अमीर कोई नहीं है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, विराट कोहली इस साल का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन गए। पर आप जानते हो कि लिस्ट में टॉप 10 कौन कौन है? अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें हार्दिक भाव भी है थैंक्स टू द लास्ट ऑक्शन। इस समय विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से थोड़े ब्रेक पे चल रहे हैं और वो अपने परिवार के साथ इस समय अपने इंग्लैंड के घर में रह रहे हैं। वैसे सिर्फ विराट ही नहीं, ऐसे कई और भारतीय खिलाड़ी हैं जिनकी घर है इंग्लैंड में, वो कौन कौन है वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि टैक्स देने वाले वो दो खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। फिलहाल बात किंग कोहली की, जो अपने खेल के साथ साथ भी कमाई के मामले में टॉप पर है। फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक विराट ने इस वर्ष 66 करोड़ का टैक्स दिया है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा विराट कोहली अलग अलग जरिए से अपने और अपने फैमिली का लाइफ सिक्योर कर रहे हैं और खूब कमाई कर रहे हैं, जिसमें ब्रांड इन्वेस्टमेंट के साथ अलग अलग कंपनियों में मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और यही वजह है कि विराट ने सरकार को 66 करोड़ का टैक्स दिया है और विराट का कुल नेटवर्क 1050 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी, 38 करोड़ टैक्स देने वाले माई भाई भी कुछ कम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी कमाई रॉकेट की तरफ बढ़ रही है। धोनी अब क्रिकेटर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन गए हैं, यही कारण है उनका नेटवर्क 1000 करोड़ के भी पार हो चुका है। वैसे धोनी अगर 4 साल पहले रिटायर होकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के लिस्ट में दूसरे नंबर पर हो सकते हैं, तो तीसरे नंबर पर 11 साल पहले रिटायर होने वाले और भगवान का दर्जा रखने वाले सचिन बाऊ तो वही सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 28 करोड़ का टैक्स भरा है। भारत के सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में अगला नाम सौरव गांगुली का है। भारतीय क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली की कमाई इन दिनों ज्यादातर बिजनेसेस के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट और आईपीएल से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल गांगुली ने 23 करोड़ का टैक्स भरा है। क्या आप जानते हैं सौरव गांगुली के रिटायर हुए 16 साल हो गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिस्ट में अगला प्लेयर कौन है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने भरा है 13 करोड़ का टैक्स। बीसीसीआई के ए ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल स्टार खिलाड़ी हार्दिक को इस साल क्रिकेट की फीस के तौर पर 5 करोड़ मिले। हार्दिक के पास गुजरात के बड़ोदरा में एक आलीशान सा पेंट हाउस है जिसकी 3.6 करोड़ से भी ज्यादा बोली गई है। हार्दिक का मुंबई के वर्सोवा में एक 2 BHK का अपार्टमेंट है और बांद्रा में 30 करोड़ का अपार्टमेंट है। इस लिस्ट में अगले स्पोर्ट्स पर्सन है पंत, और जब किसी लिस्ट में ऋषभ भाई का नाम देख लेता हूँ तो भाई वो एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है। फिर याद पड़ता है ऋषभ पंत के वो दिन जब वो गुरुद्वारा में अपने माता जी के साथ रहते थे। आज वही लड़का मौत को मात देकर देश के लिए 10 करोड़ का टैक्स भर रहा है। इतना मोटा पैसा मुझे तो लगा सिर्फ बड़े W के नीचे होता होगा, मगर ऋषभ पंत ने इतना बड़ा टैक्स भर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सबसे चमकदार क्रिकेटरों को कई ब्रांड से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पंत की आईपीएल में ही 16 करोड़ की कमाई हो जाती है। क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल ऋषभ पंत के पास 2024 तक कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ की है। तो ये है वो भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने करोड़ों का टैक्स भरा है। इस लिस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का नाम कहीं नजर नहीं आया। ऐसे में रोहित भाई के फैंस पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं रोहित भाई टैक्स देना ही भूल गए। वैसे भारतीय खिलाड़ी द्वारा जो टैक्स भरा गया है ना, अगर उसको भी एक साथ मिला लो ना, तो क्या उतने पैसे में पूरे पाकिस्तान को भी खरीदा जा सकता है क्या? खैर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो हमें भी अच्छा लगाओ, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ और पेरोल पर कल एक अमेजिंग वीडियो देखने के लिए फिर से आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, जय हिंद।